बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है माश की दाल। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम माश की दाल को 95% उबाल लेंगे। जब तक माश की दाल उबल रही है हम तब तक तड़का लगा लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2-3 टेबलस्पून ऑयल, 7-8 जिंजर कटी हुई अदरक डालेंगे, 7-8 साबुत काली मिर्च डालकर इन्हें थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक छोटे साइज का प्याज चॉप्ड करके डालेंगे। प्याज को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भूनेंगे। अब हम इसमें 2-3 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर कट करके डालेंगे। अब बारी है इसमें मसाले डालने की। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसे कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे। हाँ जी, अब हम मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो हमने उबाल कर रखी हुई थी। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। साथ ही साथ तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 5-6 गोल लाल मिर्ची डालेंगे। तड़का रेडी हो गया है, अब हम दाल को लगा देंगे। अब दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लें जी, माश की दाल हो गई है रेडी। अब बारी है इसे डिश आउट करने की। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इंस्टा पे फॉलो लाजमी कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।